कि एम्बेसी भेज दी होंगी उन्होंने सूँ आई आर सी सी कि तो बायोमैट्रिक कलैक्ट करके दो सू तो उस तो बाद जी अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे अपने यार बायोमैट्रिक डन हो गए तो यह कहते 24 घंटे ज अपडेट हो जाएंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग, होप यू गाइज आर फाइन। आई एम आलसो फाइन। तो सारे मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। इस टाइम आगे आप गड्डी नंबर 0 29 52 के जिहदा नाम हैगा दिल्ली तो मुंबई राजधानी स्पैशल। तो आप जा रहे बॉम्बे जिन्हों की फिल्मों की सिटी कहा जाता है ना, फिल्म सिटी जिते कि कई सुपने पूरे होंगे ने, कई टुटते हैं गे। तो आप भी अपना सुपना पूरा कर जा रहे हैं। सुपना मतलब फिल्म च ऑडिशन दे नहीं, मतलब अपने बायोमैट्रिक ने। तो यह वीडियो तुम उदों ही देखोगे जदों अपना रिजल्ट आ गया, फाइल का डिसीजन आ गया, रिफ्यूजल का वीजा कुछ भी आता है ना, तो सिर मत्थे यार अपन खेड़े मत्थे प्रवान करांगे क्योंकि वो अपनी किस्मत आ गई। तो बाकी तुम ब्लॉग देखो, सारा एक्सपीरियंस दसांगे बायोमैट्रिक का भी की डॉक्यूमेंटेशन की। तो इस टाइम जा रहा मैं 2500 की टिकट करा के बॉम्बे, तो 3 AC गड्डी के बच्चा। तो बाकी इस टाइम बाथरूम च खड़े हाँ, बाथरूम च फिर आवेंगे और फिर देखें। वाली अपनी सीट आ गई यार, आ देखो ना इधर चार्जिंग की भी फैसिलिटी आ, इधर बिस्कुट पे ने यार, लोई पई आ अपनी, तो दूजा फोन आते ईयरफोन पे ने, इतों चार्ज के लगता है। बाथरूम आ गया, तो वाश बेसन दिता वा, साबण, टूटियां भी जैगुआर दियां लाइया गई ने, यह जवाक टंगन, तो बाकी इधर फ्लशा ना, काफ़ी घंट हैगा, एक नंबर हैगा पूरा। तो मैं 4:50 के ट्रेन से चढ़िया सीगा ना, तो ट्रेन का देखो इधर हैगा हथुत धोन वाला वाश बेसन इधर आ। तो इस टाइम ट्रेन खड़ी हैगी यार 73 किलोमीटर दूर आ, कोटा शहर आ, कोटा शहर है पता नहीं राजस्थान का पता नहीं गुजरात का। देखो AC इतों चलते हैं, अपरेट होंगे है ना, तो बाकी हम अंदर चलते हैं अपने सीट पर। कोटा राजस्थान च पहुँच गए, तो आथण दे 9:30 हो रहे हैं, तो इतों अपने खाना लिया है ना। आ खाना आ एक गंडा जहा यार, आ दाल पनीर रोटियां नींबू, तो इधर भी सब्जी आ बूंदी, एक गुलाब जामुन दी आ, बाकी चौल दे दिते ने, बाकी अपने को पनीर वाले परौंठे पे ने, घरों बेबे ने पा के तोरे थे ना, भुखी नहीं बेबे देख सकती आपां नूं। सवेर के 5:00 तो आप भी सो के उठ गए, तो इस टाइम खड़े आप गुजरात च जिन्हों मोदी का शहर कहा जाता, पर आप मोदी कुछ मानते नहीं, तो इतों के आंदा शहर हैगा। मैं भी बाथरूम कर आया गा यार, बहुत प्रैशर पै रहा सी, मैं भी बाथरूम कर आ गया। तो आ दूजी सीट आ गई इन्हों की है ना, तो इधर वाश बेसन हम आप फ्रैश हो जाइए, तड़की के 5:00 सही 8:30 आप मुंबई सेंटर वाल पहुँचना गा, तो होप करना पहुँच जाएंगे। मुंबई उतरे, तो यह मुंबई सेंट्रल स्टेशन आगा यार, तो इतों अपना 2 किलोमीटर BFS वाला।
बायोमैट्रिक डन हो गए तो यह कहते 24 घंटे ज अपडेट हो जाएंगे तो बाकी देखो एक सिम दिता कनेडा का कहते तेरा वीजा पक्का गा मैं देखी जाऊंगी बाकी इन्होंने रिसिप्टा दिखाई नौ मैं सूँ घर जाके दिखाऊंगा तो सामभ के रखनी आदि नेगी है ना तो बाकी जोड़ा प्रोसैस होर अंदरला वो मैं सूँ सारा घर जाके दसूँगा फिलहाल मुंबई चा जिन्ना चर पंजाब नहीं वढ़ते चैन नहीं आता बायोमैट्रिक करा के हुण आपां पहुंचे आ गेटवे ऑफ इंडिया कोल ते इत्थे आ ना ताज होटल जिथे कि 26/11 दा अटैक होया सी तां सामने ताज होटल आ ते एक गल है ना जिवें तुहानू पता मेरा इंटेरोगेटिव जिहा सुभा क्वेश्चन मार्क लाई दिंदा ते मैं भी इत्थे आके पुछिया कि आ ताज होटल वेले अतवादी कित्थों दे सी उह कहिंदा उरां परां दी आई सी अंबानियों उन्नी उरां दे उधर दी इत्थों दी नहीं आई सी जिवें कि पिछे इंडिया गेट आ गया ना ते इत्थों दी नहीं आई सी उह परां दी आई सी तां इह वी इक लुको रख्या होया ना पुलिस ने तां किते ना किते पैसे वाले बंदे दी चल दी अपनी ट्रेन का चलन का समा हो गया तो आए हैगी 029-51 जी चाहे सी 029-52 आ अपनी ट्रेन इधर अपना डब्बा गा अपनी सीट नंबर है 21 तो कल्ले आए हैं कल्ले सफर कर रहे हैं AC जाके तो नियारी आ गया बाबे पूरा आ देखो AC आ सारे खुश हो गए घट्टो घट घंटा हो गया सानू बाहर खड़े ना सवेरे सही 8:15 असी दिल्ली के स्टेशन पर पहुँच गए नवी दिल्ली का स्टेशन है ना तो असी चले से उतो कल 5 बजे जिन्ना टाइम जाते हुए लगे है ना उन्ना सू आगे गा अद्धा घंटा पहले ही आ गए वैसे असी प्लेटफॉर्म से तो हूँ पिंडे जाना शाम के 7:30 हो गए तो आप जाखल स्टेशन पर अराइव हो गए है ना तो जाके मैं सारी इनफॉर्मेशन दसूँ कि डॉक्यूमेंट की लड़ सी एंड तक जरूर देखो ब्लॉग तुम भी सोचते हो भी भेड़ चाल जी खेडी जाता है ना भी जाके तुम जाके तो यार जरूर देख लो क्योंकि रास्ते च दसदा ना माइक नहीं है सके मेरे को करके तुम प्रॉब्लम आँगी तो जाके देखो तो फाइनली घर आ गए बायोमैट्रिक करा के तो हूँ कहदी वेट आ गई अपन वेट अपने डिसीजन की फाइल का जो डिसीजन आऊगा तो फिलहाल मैं जी थोड़ी वेट वो खत्म कर दाँगा कि मैं अपने डॉक्यूमेंट लैके गया से है ना वैसे तो मोस्टली सारे पता ही होना जोड़े फाइल का प्रोसैस स्टार्ट कर चुके ने गे तो फिलहाल अज की तरीक 25 तरीक है ना मेरे 3 बायोमैट्रिक से एक दिन तो आने भी लग गया मुंबई का कड़ा थोड़ा सी 6,000 का मैं उत्थी फूक आया तो बाकी हूँ मैं सारे डॉक्यूमेंट दसदा यार आवें लिखे पे से तो सब तो पहला बायोमैट्रिक इंस्ट्रक्शन लैटर जोड़ा कि एम्बेसी भेज दी होंगी ना सूँ IRCC कि तो बायोमैट्रिक कलैक्ट करके दो सानू तो उस तो बाद जी अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे अपना अपॉइंटमेंट लैटर लैके जाना हूँ तो उस तो बाद चाहिए हूँ अपन कंसेंट फॉर्म जोड़ा कि तुम उत्थे जाके फिल करना हूँ गा है ना दे उस तो बाद चाहिए इस दिया हार्ड कॉपियां ते उस तो बाद आउंदा एंड ते पासपोर्ट तो पासपोर्ट की भी हार्ड कॉपी चाहिए है सारे की हार्ड कॉपी जरूर लेके जाओ तो हुण जी स्टूडेंट सब तो ज़्यादा उलझते हैं उसकी गल करते हैं वह का उलझते हैं प्रीमियम सर्विस लईए या ना लीए तो मैं लेती है कि ना तो यार मैं प्रीमियम सर्विस लई नहीं गई
क्यों नहीं ली क्योंकि पहले बहुत पैसे लग चुके सी ते बाकी मैं यूट्यूब तो ते वैसे भी गूगल तो बथेरा सर्च किया ना भी इसका कोई फायदा हैगा कि ना तो जिते तक मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा मेरा कि 80% का फायदा है नहीं गा 20% ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ 3,000 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਯਾਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰੀ 11:30 ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 11:15 ਦੇ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 11:15 ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ 11:15 ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਆ BIL ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ ਬਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਵਿਸ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫੋਰਮ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਓ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ 25 ਨੂੰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਪਊਗੀ ਸਤੰਬਰ ਹੈਗਾ ਨਵੰਬਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਊਗੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਨੀ ਛੇਤੀ ਆਪਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲਓ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਜਿਵੇਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧਮਾਲਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵਗ ਜਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਯਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਜਿੰਨਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਯਾਰ